हमेशा हॉलीडेज में अकेला रहने से तंग आकर हमारे मेन कैरेक्टर डिसाइड करते हैं कि सिर्फ हॉलीडेज के लिए एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहेंगे। एक दूसरे के साथ टाइम गुजारते हुए बात जरा आगे चली जाती है। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हॉलीडेट ये 2020 की एक हॉलीवुड रोमांटिक मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अब बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हमारी मेन कैरेक्टर स्लोन हमें दिखाई जाती है। ये टाइम क्रिसमस का था, जब सब लोग इसे मिलकर सेलिब्रेट कर रहे थे तो स्लोन इसमें थोड़ी सी भी इंटरेस्टेड नहीं थी। नॉर्मल से कपड़े पहनकर वो अपनी फैमिली को मिलने के लिए आके उसकी मदर को ये देखकर बहुत ही बुरा लगता है। स्लोन का ब्रेकअप हुए 6 मंथ्स हो चुके थे पर अभी भी उससे उभरी नहीं थी। उसकी मदर ने किसी और के साथ उसे सेटअप करने का ट्राई किया था पर स्लोन ने उस आदमी को फिर से कॉल नहीं किया। उसकी सिस्टर भी उसे समझाने की कोशिश कर दिया पर स्लोन किसी की भी बात नहीं मानती। हॉलीडे के लिए स्लोन के घर पर आंट सुजन भी आई थी। सुजन डिवोर्स थी और हर एक हॉलीडे के लिए किसी और को लेकर आती थी। उसने कहा कि मेरी डेट से मैं मॉल में मिली थी। स्लोन को अच्छा नहीं लगता। सुजन ने कहा कि मैंने सिर्फ उसे हॉलीडे के लिए यहाँ पर लाया हुआ है। हॉलीडे में अकेले रहने से अच्छा किसी को डेट कर लो, उसके बाद उसे डम कर देगी। पैरेलल में हम हमारे और एक मेन कैरेक्टर जैक्सन को देखते हैं। वो एक लड़की को डेट कर रहा था और अब तक वो सिर्फ 2 ही डेट पर गए थे और तीसरी डेट पर वो अपने पेरेंट्स से मिलवाने के लिए उसे लेकर आई थी। जैक्सन कहता है कि शायद तुम्हारे पेरेंट्स को लगेगा कि हम दोनों बहुत ही सीरियस है, पर लड़की कहती कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स ने जैक्सन को देखा तो उसे पकड़ ही लिया था। उस लड़की के सारे फोटोज उसका सारा घर उसे दिखा रहे थे। मदर उसे कहकर जाती है कि तुम दोनों के साथ सोने से हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जैक्सन को यह सब बहुत ही वियर्ड लग रहा था। उस लड़की से ब्रेकअप करने वाला था पर तभी वो लड़की उसके साथ इंटीमेट हो जाती है। इसके बाद क्रिसमस के लिए सब लोग एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे थे। स्लोन को उसकी सिस्टर ने पजामा गिफ्ट किया था जो उसे थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता। जैक्सन को भी उसकी गर्लफ्रेंड ने गिफ्ट दिया। वो पहले उसके साथ सीरियस नहीं था, इस वजह से उसके लिए कुछ भी गिफ्ट लाता नहीं। इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा अपसेट हो गए। वो कहती है मेरे पेरेंट्स के घर में तुम मुझसे इंटीमेट हो सकते हो और मेरे लिए गिफ्ट नहीं ला सकते। इन सब ड्रामा से जैक्सन बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वहाँ से वो चला गया। पैरेलल में हम देखते हैं कि स्लोन के ब्रदर ने अपनी गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर दिया। स्लोन के पहले उसके छोटे ब्रदर की शादी हो रही है, इस बात से वो डिस्टर्ब हो जाती है और वहाँ से वो चली गई। जैक्सन और स्लोन दोनों को अपने गिफ्ट पसंद नहीं आए थे तो इसे रिटर्न करने के लिए वो शॉप में आ जाते हैं। जैक्सन काउंटर पर बता रहा था कि उसे रिफंड चाहिए पर उसे स्टोर क्रेडिट दे रहे थे। इस बात पर उसका झगड़ा चालू हो गया। स्लोन ने कहा कि लाइन में और भी लोग हैं, तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। वो भी काउंटर पर रिफंड मांगती है और उसे भी मिलने नहीं वाला था। ये दोनों बात करने लगे और एक दूसरे का क्रिसमस कितना घटिया था इस पर वो डिस्कस करते हैं। लाइन में इनके पीछे जो लड़की थी उसे इनके कपड़े पसंद आते और उसी को उन्होंने सेल कर दिया। ये दोनों बाहर आए तो स्लोन को सुजैन का बॉयफ्रेंड देख लेता है। वो जैक्सन के पीछे छिप गई। जैक्सन ने पूछा कि ये क्या था। स्लोन फिर उसे समझाती है कि सिर्फ हॉलीडे के लिए उसकी एंड उस आदमी को डेट कर रही थी, उसके बाद उसने उसे डम कर दिया। ये हॉलीडेट का आइडिया जैक्सन को बहुत ही अच्छा लगता है। उसने कहा कि हम अगर रियल डेट को घर पर लेकर जाए तो एक दूसरे को जज करेंगे और बहुत कुछ इनसिक्योरिटीज हमें आती रहती है। अगर हम सिर्फ हॉलीडे के लिए एक डेट फिक्स कर लें तो कोई भी कमिटमेंट नहीं रहेगी। स्लोन को आइडिया उतना अच्छा नहीं लगता, उसे एक रियल पार्टनर की ज़रूरत थी। 31 दिसंबर आने वाला था तो जैक्सन कहता है कि हम दोनों एक दूसरे की डेट बन सकते हैं पर स्लोन इस बात के लिए मना कर देती है। जैक्सन ने अपना कार्ड उसे दे दिया और कहा कि इस बात पर तुम जरा सोच लेना। स्लोन को उसकी मदर बार बार कॉल करती रहती है, अलग अलग लड़कों से मिलवाती रहती है। आज उसने एक फारूक नाम का लड़का जो एक डॉक्टर था उसके साथ उसकी डेट फिक्स करने का ट्राई किया। स्लोन को यह बात बहुत ही अनोइंग लगती है। जैक्सन का फ्रेंड उसे अलग अलग लड़कियों के साथ सेटअप करने का ट्राई करता है पर जैक्सन ने कहा कि मुझे ये सब नहीं चाहिए। वो सिर्फ हॉलीडे के लिए विदाउट एनी कमिटमेंट एक डेट चाहता है। स्लोन ने भी इस बारे में सोचा था और जैक्सन को कॉल कर देती है और न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए क्लब में आ गए। वो आसपास के लोगों को जज करने लगते हैं और बहुत मजे करते हैं। वहाँ पर एक कपल था तो जैक्सन उन्हें देखकर कहा कि आज प्रपोज होने वाला है। जैक्सन को स्लोन का ड्रेस बहुत ही अच्छा लगता है तो उसे अच्छे से कॉम्प्लीमेंट कर पाता है। स्लोन ने कहा कि ये बेस्ट है, मैं कैसे भी कपड़े पहन सकती हूँ और तुम मुझे जज भी नहीं करोगे। पार्टी में स्लोन की एंड सुजैन भी आई थी, अब उसके साथ कोई और लड़का था। अलग अलग चीज़ों पर ये बात कर रहे थे तो बात करते करते स्लोन कहती है कि रोमांटिक कॉमेडीज मुझे बहुत ही घटिया लगती है। हमें पोस्टर से ही पता चल जाता है कि इन दोनों में प्यार होने वाला है। बिना कुछ रीज़न की मूवी में प्रॉब्लम क्रिएट कर देते हैं और लास्ट में दोनों एक साथ ही रहते हैं। जैक्सन ने पूछा कि तुम इतनी हर्ट क्यों, तुम्हारा दिल किसने तोड़ा था। स्लोन कहती कि उसका नाम था लूक, वो बहुत ही अट्रैक्टिव था और उसने स्लोन पर चीट किया था। उस रिलेशनशिप के बाद किसी भी रिलेशनशिप में जाने से वो डरती है। स्लोन वॉशरूम गए और वहाँ पर एक लड़की बहुत ही डिस्टर्ब थी क्योंकि उसकी ड्रेस पर रेड वाइन गिर चुकी थी। ये वही लड़की थी जिसे उसका बॉयफ्रेंड आज प्रपोज करने वाला था।
उसकी सारी फ्रेंड्स उसे अपना ड्रेस देने के लिए रेडी थी, पर उसे स्लोन का ड्रेस बहुत ही पसंद आता है, तो स्लोन ने अपना ड्रेस उसे दे दिया। जब जैक्सन उसे देखता है तो उस पर बहुत हंसता है, पर स्लोन ने कहा कि इसके बारे में पूछना मत। इसके बाद उन्होंने पार्टी में बहुत मजे किए। एक फेमस मूवी का सीन वो करने लग गए जिसमें स्लोन का ड्रेस टूट जाता है, उस वजह से वो नीचे गिर गए। जैक्सन जब वॉशरूम गया तभी 12 बज गए थे। सब लोग एक दूसरे को किस कर रहे थे और स्लोन को बहुत ही अकेला महसूस होता है। घर ड्रॉप करते हुए जैक्सन ने स्लोन को कहा कि मुझे तो बहुत मजा आया था, हम दोनों वैलेंटाइन डे के लिए भी एक दूसरे की डेट बन सकते हैं। स्लोन ने कहा कि वो तो बहुत ही दूर है, तब तक के प्लान में नहीं कर सकती। अब इसके बाद डायरेक्टली वैलेंटाइन डे आ चुका था और अब भी स्लोन सिंगल ही थी। वो अकेले एंजॉय करने वाली थी और उसके फ्रेंड को उसके लिए बहुत ही बुरा लगता है। फ्रेंड्स ने कहा कि तुम जैक्सन को क्यों नहीं कॉल करती। स्लोन कहती कि मुझे सिर्फ अकेला रहना है और रिलैक्स करना है। वहां से उठकर चली गई और खुद के लिए चॉकलेट्स बाय कर रही थी, तभी उसे मॉल में लुक दिख जाता है। वो अच्छे से ड्रेस नहीं थी, इस वजह से उसे बहुत ही एम्बेरसिंग लगता है। लुक के साथ उसकी गर्लफ्रेंड फेलिसिटी भी है। उसे लगा कि स्लोन यहाँ पर काम करती है। स्लोन को इन दोनों को देखकर बहुत ही बुरा लग रहा था, तभी जैक्सन यहाँ से गुजरता है और ये सब नोटिस करता है। उसने स्लोन के पास आकर प्रिटेंड किया कि वो दोनों रिलेशनशिप में और एक दूसरे के साथ बहुत ही खुश है। स्लोन डिस्टर्ब होकर बाहर आ गए और कहती कि लुक को इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई। उसे एज में बहुत ही कम थी और स्लोन को ये बात बहुत ही बुरी लगती है। जैक्सन कहता है कि लुक सिर्फ उसके साथ इसलिए क्योंकि वो कोई भी कमिटमेंट नहीं चाहता। गलती से बिना पे किए स्लोन बहुत सारे चॉकलेट्स लेकर आई थी, वह सब कुछ खाना चाहती थी। जैक्सन को ऑफर करती है तो पहले दो मना करता है, पर बाद में उसके साथ वो एंजॉय करने लग गया। जैक्सन ने कहा कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया, मैं तुम्हारे साथ वैलेंटाइन डे स्पेंड करना चाहता था। स्लोन कहती कि इतना सारा टाइम मैं फिर से सिंगल हूँ, ये बताना भी एम्बेरसिंग लगता है। जैक्सन ने कहा कि यही तो पॉइंट है, एक दूसरे को हम जज नहीं करेंगे, सिर्फ हॉलीडेज एक दूसरे के साथ स्पेंड करेंगे, इससे हमें लोगों को फेस करने में कोई भी प्रॉब्लम भी नहीं होगा। स्लोन पूछती कि इन डेट पर क्या हम एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो सकते हैं। जैक्सन को इस बात से कोई भी प्रॉब्लम नहीं था, पर स्लोन कहती है कि अगर एक दूसरे से हम अटैच्ड हो गए तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। इसी वजह से विदाउट एनी फिजिकल रिलेशनशिप वो सिर्फ एक दूसरे के साथ डेट पर जाने वाले थे। नेक्स्ट टाइम वो ट्री डे पर मिले। स्लोन का ब्रदर भी वहाँ पर आया हुआ था, तो जैक्सन ने उसे पहचान लिया क्योंकि जैक्सन गोल्फ का टीचर है और स्लोन का ब्रदर उसके साथ खेलता है। जैक्सन के जाने के बाद स्लोन की सिस्टर उसे पूछती कि ये है कौन। स्लोन ने कहा कि हम एक दूसरे के लिए सीरियस नहीं है, अब अलग अलग हॉलीडेज पर एक दूसरे से मिलने लग गए थे, ईस्टर के ब्रंच के लिए फिर से मिलते हैं। स्लोन की आंट सुजन फिर से किसी और को लेकर आई थी। मदर को स्लोन और जैक्सन के अरेंजमेंट के बारे में पता था, इसी वजह से ब्रंच पर वो फारूक को भी इनवाइट कर लेती है। स्लोन फारूक को थोड़ा सा भी भाव नहीं देती, वो अपनी मदर पर गुस्सा थी, पर मदर ने कहा कि तुम इस तरीके से कैजुअली किसी को भी डेट नहीं कर सकती, मैं तुम्हारे लिए वरीड हूँ और तुम्हारे एंड की तरह तुम्हारा हाल नहीं देखना चाहती। जैक्सन ने स्लोन को कहा कि फारूक सक्सेसफुल है और वो हैंडसम भी है, तुम्हें उसे अप्रोच करना चाहिए। स्लोन ने कहा कि अब तक मैं मेरे हार्ट ब्रेक से आगे नहीं बढ़ पाई हूँ। जैक्सन कहता है कि तुम कितना टाइम लोगे, एक साल तो बीत चुका है। स्लोन कहती कि लड़कियों को ज़्यादा टाइम लगता है। जैक्सन ने कहा कि ऐसा नहीं होता, उसके भी हार्ट ब्रेक के बारे में वो बताने लग गया, उसे भी बहुत बुरा लगा था, पर इससे वो मूव ऑन कर चुका है। जब वो फर्स्ट टाइम स्लोन से मिला था उस रात भी किसी और लड़की के साथ वो इंटीमेट हुआ था। स्लोन की लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। आज रात पार्टी करते हुए ये दोनों बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हो जाते हैं। अगली सुबह स्लोन जैक्सन के साथ ही उठी। वो दोनों फिगर आउट नहीं कर पाते कि क्या वो एक दूसरे के साथ इंटीमेट हुए थे या नहीं, ये दोनों के लिए बहुत ही वियर्ड था। नेक्स्ट हॉलीडे पर स्लोन की मदर जैक्सन के सामने उसे कहती है, तुम ऐसे ही अरे को किसी को भी डेट नहीं कर सकती, अगर ऐसे ही तुम हॉलीडे पर आना चाहते हो तो एक दूसरे के साथ एक बार इंटीमेट होकर देखो, शायद तुम दोनों में कुछ केमिस्ट्री हो और बात आगे बढ़ पाए। ये बात सुनना इन दोनों को बहुत ही वियर्ड लगता है। स्लोन ने कहा कि तुम ऐसा कैसे सजेस्ट कर सकते हो। अपनी मदर का मजा लेने के लिए उसने जैक्सन से कहा, चलो हम बाथरूम में चलते हैं। इसके बाद वो दोनों डायरेक्टली 4th of July पर मिले। वो लेक के पास अपने फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेट कर रहे थे। स्लोन कहती कि मुझे समझ में नहीं आता आदमियों का पटाखों के साथ इतना ऑब्सेशन क्यों है। तभी अचानक से पटाखा फोड़ते हुए जैक्सन की उंगली कट जाती है। सब लोग बहुत ही डर गए थे। उन्होंने सैंड में से उसकी उंगली निकाली और उसे आइस में डाल देते हैं। वो उसे हॉस्पिटल में लेकर जा रहे थे, पर बच्चों को इस तरीके से अकेला नहीं छोड़ सकते, तो जल्दी से स्लोन को उसने जाने के लिए कहा। वो बेचारी प्रेशर में आ गई और यहाँ वहाँ पर गाड़ी चलाते हुए एक दो चीज़ों को ठोकते हुए हॉस्पिटल तक आ जाती है। थोड़ा सा प्रेशर रिलीज करने के लिए वो स्मोक करने लग गए। इनका डॉक्टर आता है तो वो फारूक ही था। स्लोन ज़रा हाई थी, उसके साथ वो फ्लर्ट करने लगती है। ऑपरेशन के बाद वो जैक्सन को घर पर लेकर आई। उसने उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखा था। उन दोनों में एक मूवमेंट गुजरता है।
जैक्सन को ये बात जरा वियर्ड लगी। उसने अपने फ्रेंड से बात की और कहा कि शायद हम दोनों में फीलिंग्स आ रही है। स्लोन भी यही बात अपनी सिस्टर से कहती है। वो दोनों बहुत ही कन्फ्यूज थे। अब नेक्स्ट स्लोन के ब्रदर की वेडिंग आ रही थी तो जैक्सन का फ्रेंड उसे कहता है तुम्हें उसे बता देना चाहिए कि तुम किसी और को डेट पर लेकर जा रहे हो, इससे सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। स्लोन की सिस्टर ने उसे कहा कि अगर जैक्सन तुम्हारे साथ वेडिंग पर आता है इसका मतलब है उसे भी तुम्हारे लिए फीलिंग्स है। वेडिंग गिफ्ट शॉपिंग करते हुए जैक्सन ने स्लोन को कॉल लगाया। स्लोन को लग रहा था कि उसे वेडिंग पर आने के लिए पूछ लेगा, पर जैक्सन कहता है कि किसी और को हमें वेडिंग में लेकर आना चाहिए। इस बात से उसे बहुत बुरा लगा। वो वेडिंग में फारूक को लेकर आए और जैक्सन स्लोन की आंट सुजैन को लेकर आता है। एक दूसरे को किसी और के साथ देखकर ये दोनों जेलस हो गए थे तो और भी जेलस करने की कोशिश करते हैं। बाद में मिलने के बाद स्लोन जैक्सन से पूछते कि तुम्हारे और सुजैन के बीच में कुछ होने वाला है। जैक्सन कहता है कि मुझे पता नहीं। स्लोन ने कहा कि आज रात तो मैं फारूक के साथ ही रहूंगी। स्लोन गुस्सा होकर कहती है कि अब हमें हॉलीडे के लिए इस तरीके से डेट करना छोड़ देना चाहिए। अगली मोमेंट पर ब्राइड और उसके फादर डांस करने लग गए, पर एक रोमांटिक सॉन्ग था। ये जरा वियर्ड लग रहा था तो स्लोन और जैक्सन जाकर उनके साथ डांस करने लगते हैं। इसमें सुजैन और फारूक एक दूसरे के साथ डांस करने लग गए और एक दूसरे को पसंद आ गए थे। डांस करते करते सुजैन के पैर में चोट आ गई तो फारूक उसकी हेल्प कर देता है। इसके बाद हॉलोवीन आ चुका था। स्लोन और जैक्सन यहाँ पर फिर से मिलते हैं। अब सुजैन और फारूक एक दूसरे को डेट कर रहे थे। यहाँ पर लुक अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आया और उसकी गर्लफ्रेंड प्रेग्नेंट थी। जब स्लोन ने देखा तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसकी सिस्टर से उसने कुछ पिल्स ले ली। उसकी सिस्टर को बाद में रियलाइज हुआ कि उसने उसे गलत पिल्स दे दी। ये पिल्स डायरिया की थी। घर छोड़ते छोड़ते ही स्लोन को इमरजेंसी आ गई। उसका हॉलोवीन का कॉस्ट्यूम बहुत ही टाइट था। उसे निकलने की वो बहुत कोशिश करती है तो जैक्सन ने उसे हेल्प कर दी। जल्दी जल्दी वो बाथरूम चली गई, पर तब तक एक्सीडेंट हो चुका था। जैक्सन उसकी हेल्प करता है और उसे नहला देता है। उसने उसका बहुत ख्याल रखा। स्लोन बहुत ही एम्बेरस थी। कहती कि अब तुम हर एक पार्टी में अपने फ्रेंड्स को इस किस्से के बारे में बताओगे। जैक्सन ने कहा कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलेगा। वो आज रात उसके साथ ही सो गया। सुबह हुई तो एक दूसरे के पास थे। जैक्सन उसे किस कर लेता है। उसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो गए। इसके बाद स्लोन कहती कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। जैक्सन को यह बात बहुत ही एम्बेरसिंग लगी। तभी वहाँ पर सुजैन की सिस्टर आ जाती है। उसने कहा कि कल रात मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। मैरिड है और किसी और को उसने किस कर लिया था। इस वजह से उसे बहुत ही बुरा लगता है। उसने जैक्सन को जाते देखा और वो सब कुछ समझ गए। सिस्टर कहती कि मैं यहाँ से चली जाती हूँ, तुम दोनों को बात करनी चाहिए। पर स्लोन ने कहा कि जैक्सन ही जाएगा। जैक्सन को इस बात से बहुत ही हर्ट होता है। उसने अपने फ्रेंड से कहा कि वो फिर से उससे नहीं मिल सकता। फ्रेंड ने कहा कि जानबूझकर इस थैंक्सगिविंग पर तुम्हें जाना चाहिए। थैंक्सगिविंग पर फिर से सुजैन किसी और को लेकर आई थी। स्लोन ने सुजैन से पूछा कि फारूक का क्या हुआ। सुजैन ने कहा कि हम दोनों की रिलेशनशिप शॉर्ट टाइम के लिए अच्छी थी। डिनर बनाते बनाते वो माइक्रोवेव में जल गया। मदर स्लोन को कहती कि मॉल में जाकर कुछ लेकर आओ। तभी जैक्सन आ जाता है। वो भी उसके साथ गया। जैक्सन ने कहा कि क्या तुम प्रिटेंड करने वाली हो कि हमारे बीच में कुछ भी हुआ नहीं था। स्लोन उल्टा उसी को ब्लेम करने लग गए। जैक्सन ने कहा कि मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता था, तुम हमेशा अपनी फीलिंग से डरती रहती हो। स्लोन कहती कि पहले तो तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे अट्रैक्टेड नहीं हो। जैक्सन कहते कि उस वक्त हम फर्स्ट टाइम मिले थे, मैं कुछ भी कर तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था, इसी वजह से हर एक हॉलीडे के लिए मैं तुम्हारी डेट बना। स्लोन फिर भी उसकी बात मान नहीं रही थी। जैक्सन कहता कि तुम्हारी लाइफ में कोई कितना भी अच्छा आ जाए फिर भी तुम्हारा यही हाल होगा, तुम अकेली रहोगी। स्लोन जब अकेली घर पर आई तो मदर और सिस्टर ने कहा कि हमें पता था कि ऐसा ही होगा क्योंकि हमेशा तुम अपनी फीलिंग से भागती रहती हो। उसकी सिस्टर उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। स्लोन ने कहा कि तुमने किसी और को केस कर लिया, तुम मेरे बारे में बात ही मत करो। ये सब उसकी सिस्टर का हस्बैंड सुन लेता है। उस वजह से इनमें झगड़ा हो गया। अचानक से जिस आदमी को सुजैन घर पर लेकर आई थी उसे हार्ट अटैक आने लग जाता है। जल्दी से हॉस्पिटल में चले गए। हॉस्पिटल में उसे ट्रीट करने वाला डॉक्टर फारूक ही था। फारूक को देखकर सुजैन को बहुत ही बुरा लगता है। उसने कहा कि मेरी लाइफ में अच्छे आदमियों की बहुत अपॉर्चुनिटी थी पर हर एक को मैंने जाने दिया, इस तरीके से उनसे भागना अच्छी बात नहीं थी। उसने फारूक को देखा पर फिर भी उसे वो जाने देने वाली थी। स्लोन कहती कि उससे कुछ बात करो। सुजैन ने फारूक से कहा कि तुम्हें जाने देना ये बहुत ही बड़ी मिस्टेक थी, प्लीज़ मुझे और एक चांस दो। फारूक उसे एक्सेप्ट कर लेता है और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। जैक्सन के जाने के बाद उसे बहुत मिस कर रही थी। अपने फोटोज देखकर उसे बहुत बुरा लगता है। उसकी बिल्डिंग के बाहर उसका वेट कर दिया पर उसने उससे बात नहीं की। क्रिसमस के वक्त अपने फैमिली के साथ वो मॉल में आई थी। अचानक उसे जैक्सन दिखता है। वो फिर से उसे जाने देने वाली थी पर उसकी नेफ्यू ने कहा कि यूनिवर्स ने तुम्हें एक सिग्नल दिया है, तुम्हें मूवमेंट इस तरीके से गुजरने नहीं दे सकती।
स्लोन जैक्सन के पीछे भागने लग गए, पर इस भीड़ में उसे सुन नहीं पाता। वहां कुछ लोग सिंग कर रहे थे तो जैक्सन का नाम लेकर उसे रोक लेते हैं। माइक लेकर स्लोन ने कहा कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे साथ जो भी टाइम स्पेंड किया ये मेरी लाइफ का बहुत बेस्ट टाइम था। तुम्हारा मानना सही था, मैं तुम्हें बहुत लाइक करती हूँ। मैं डर गई थी और शायद ये मेरी लाइफ की बिगेस्ट मिस्टेक हो सकती है। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। मैं सिर्फ हॉलीडेज के लिए नहीं तो हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। जैक्सन उसे मना कर चलने लग गया, पर बाद में वो हंस देता है। ये दोनों एक दूसरे को हक कर किस करते हैं। इसी एक मोमेंट के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ये बहुत सारी मूवीज़ लेकर आते रहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन दबाने मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे और एक नई मूवी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू और आप अपने आप का ख्याल रखिए।